प्रशासन द्वारा औद्योगिक क्षेत्र निमरानी में कार्यवाही की गई है। कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम के निर्देश पर शुक्रवार को कसरावत SDM अग्रिम कुमार ने 4 स्थानों पर कार्यवाही की, जिसमें हजारों लीटर पेट्रोल डीजल बरामद हुआ, जिसमें नकली पेट्रोल डीजल होने की आशंका जताई जा रही है। कसरावत SDM अग्रिम कुमार और खरगोन SDM ओम नारायण सिंह बड़कुल और मंडलेश्वर SDOP मनोहर सिंह गवली ने दल के साथ कार्यवाही की, जो 1 बजे से लगातार 5 घंटे तक जारी रही। वहीं निमरानी स्थित एक बायोडीजल पंप पर कार्यवाही होने से अन्य संचालकों में भी हड़कंप मचा हुआ है। कलेक्टर ने जांच का खुलासा करते हुए बताया कि निमरानी औद्योगिक क्षेत्र से 3 लाख लीटर बायोडीजल जब्त हुआ है, जिसकी अनुमानित कीमत 4 से 5 करोड़ रुपए है। इसी में 4 स्थानों पर कार्यवाही में PDS के चावल सहित यूरिया भी बरामद हुआ है। शिव कुमार राठौर की रिपोर्ट। निमरानी क्षेत्र में कई लोकेशंस पे अभी जांच की कार्रवाई चल रही है। फूड डिपार्टमेंट के भी लोग हैं, शासन के लोग भी, पुलिस के अधिकारी भी हैं। इन लोकेशंस पे प्रेमा फेशिया पाया गया है कि बड़ी मात्रा में भंडारण किया गया है। भंडारण किया गया जो पदार्थ है वो पेट्रोल भी हो सकता है, डीजल भी हो सकता है, या कोई मिलावटी पदार्थ हो सकता है। कुल मिला के इसकी कोई अनुमतियाँ नहीं है। बहुत ही असुरक्षित तरीके से, ख़तरनाक तरीके से इसको स्टोर किया गया है। ये क्योंकि रिहायशी इलाके में है, कभी भी कोई बड़ी दुर्घटना इसमें हो सकती है। जैसे ज्वाइंट जांच की कार्रवाई चल रही है, मुझे लगता है कि ये एक स्मगलिंग भी निकलेगी इसमें। स्मगलिंग, अवैध भंडारण और बहुत सारे नियम प्रक्रियाओं का उल्लंघन होगा। इसमें काफ़ी विस्तृत जांच ज्वाइंट टीम करेगी। इसके बाद जो भी इसके संचालक होंगे, जो भी इसमें रैकेट में इन्वॉल्व होंगे, सबके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। हाँ, इसमें अभी कई सारे जो लॉज हैं उनका उल्लंघन दिख रहा है। जो टैंकर्स खड़े हुए हैं उनका अनसेफ ट्रांसपोर्टेशन है, उनका सोर्स क्या है, उसका फर्दर डेस्टिनेशन क्या है, किसके आधार पे इन्होंने इतना अनसेफ स्टोरेज कर रखा है, ये सारी चीज़ें मिला के इसमें काफ़ी बड़ी कार्रवाई करेंगे। अभी फैक्ट फाइंडिंग चल रही है, इसकी ओनरशिप किसकी है। ऐसी 4 लोकेशंस हैं तो जॉइंट टीमें इसमें फैक्ट फाइंडिंग कर रही हैं। तो जल्दी इसमें सारी चीज़ों की जांच पड़ताल करके इसमें जो भी रेस्पॉन्सिबल लोग हैं उनके खिलाफ लीगल एक्शन लेंगे। सर, ये नकली भी बन सकता है? सर, नकली भी, जैसे खाद्यान्न सामान मिला, यूरिया मिला और भी केमिकल भी दिख रहा है। कई सारी चीज़ें हैं, अभी बहुत कहना जल्दबाजी होगी क्योंकि ये ज्वलनशील पदार्थ है। अभी जो जानकारी मिल रही है, इसको गुजरात से कहीं से ट्रांसपोर्ट करके लाए हैं, ये रेगुलर बेसिस पे हो रहा है। किस तरह की मिलावटखोरी इसमें हुई है और किस प्रकार का इसमें क्राइम इन्वॉल्व है, ये सारे फैक्ट इन्वेस्टिगेशन हो रही है। तो जल्दी इसमें सभी चीज़ों को वेरीफाई करके कार्रवाई करें। टीवी चोरी हो रही थी और हाल में जो घटना हुई है अंजन गाँव में, वो उसके परिप्रेक्ष्य में इस तरह का किसी तरह का संग्रहण जो बिना नियम के और बिना तरीके से हो, अवैध है और लोगों के जान माल को खतरे में डालने वाला है। इसके आधार पर आज यहाँ कार्रवाई की गई। मौके पर देख के ही लग रहा है लगभग 3 लाख लीटर डीजल है या बायो डीजल है या कैरोसिन भी हो सकता है, ये तो जाँच के बाद पता चलेगा, या मिक्स कुछ अशुद्धियाँ हो सकती हैं। लेकिन सबसे इसमें बड़ी जो चिंता है और सबसे बड़ी अनियमितता है वो ये है कि ये पूरा संग्रहण बिना किसी नियम के, बिना किसी अनुमति के किया गया है, जो पूरी तरह अवैध है। साथ ही साथ इन 4 स्थानों पे हमें यूरिया के भी कुछ बैग्स मिले हैं, PDS का गेहूं मिला है। तो ये अपने आप में बहुत ही संवेदनशील और घोर अनियमितता है। इस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी और EC Act भी लगेगा, एक्सप्लोसिव के भी कार्रवाई होगी, अन्य प्रावधानों में भी कार्रवाई होगी। निश्चित तौर पर इस तरह की गलत ऐसी कार्रवाई होगी कि ऐसी पुनरावृत्ति ना हो। रहवासी इलाके में भी सारा जगह दिखाई दे, इसी दिक्कत को देखते हुए हम लोगों ने कार्रवाई करी है। रहवासी इलाके में इस तरह के स्टोरेज अपने आप में लोगों के जान माल को नुकसान पहुँचाने वाला है। इसी देखिए, इसमें बहुत सारी संभावनाएँ हो सकती हैं। ये स्पष्ट है कि ये पूरा कारोबार अवैध और अनियमित है। वो आगे कौन कौन से नियमों का उल्लंघन हुआ है ये 1-2 दिनों में जांच के बाद स्पष्ट। कितने की होगी सर सामग्री और डीजल? मुझे लगता है कि सारी सामग्री जो है वो 4 से 5 करोड़ रुपये की, करीब 5 करोड़ रुपये।